अब देखिए वैसा है, देखिए जो मेरे ख्याल से हाजिक भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, जो इतिहास की बात है इतिहास की बात, अब मामला सब जुडिस है, लेकिन तब तक जो ये अब चूंकि अब आपके हिसाब से या शोएब भाई के हिसाब से वो फाउंटेन हो सकता है, हिंदू पक्ष के हिसाब से वो शिवलिंग है, ठीक, लेकिन 1% एक मिनट आचार्य जी, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं मामला सब जुडिस है, एक मिनट, वो 1% शिवलिंग हो सकता है, भगवान शिव है तो शिव है, कल को 1% हो सकता है शिवलिंग भी हो, मैं ठीक कह रहा हूं ना, 1% आपके हिसाब से 99% फाउंटेन है, 1% शिवलिंग भी हो सकता है। अब चूंकि इस चीज का डाउट है कि हो सकता है वो शिवलिंग हो, वहां पर वुजू की मांग तब भी करना कि पता है हो सकता है शिवलिंग हो, फिर भी वो मांग करना गलत या सही? देखिए अमन जी, बात यह है कि हमारा मुल्क संविधान से चलेगा, मैंने जो पूछा वो बता दीजिए, गलत या सही, उसमें जवाब बोलिए, दो मिनट वो भी आएगा जवाब, वो भी पहले आ जाए, वो बात यह है, पहले आ जाए फिर आप दो मिनट बोलिए, आप कानून को फॉलो करेंगे हाजिक भाई, एक मिनट, हाजिक भाई सवाल नीचे चल रहा है, आप दो मिनट बोलिए, मैं पूछ रहा हूं हो सकता है वहां शिवलिंग हो, 1% चांस है, एक मिनट, हो सकता है हो, तो अगर हो सकता है वो तब भी इतनी नफरत तो नहीं, तब भी वहां पर वजू होगा? देखिए ना, तो हम पहले नफरत कर रहे थे ना, आज नफरत, तो फिर तब तक नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनिए, तब तक नहीं होना चाहिए, आप अपनी मत, हाँ या ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सवाल नहीं है, नफरत थी हमारे पास ना, आज नफरत है हमारे यहाँ, आप 5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में, उसमें से पुरानी जितनी मस्जिदें हैं ना, ऐसे ही वजू खाने, ऐसे ही फाउंटेन बने, अल्तमश ने बनाई थी बधाइयों की, ऐसे ऐसे शिवलिंग वाले फाउंटेन और ऐसे मतलब? फाउंटेन शिवलिंग, मैं बता, शिवलिंग नहीं है वो फाउंटेन है, किसी के कहने से आप बिना पानी के नहीं, बस खराब हो गया था इसलिए, और कोई भी शिवलिंग ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर छेद हो, आज बता दो आप, कोई ये बता दे, एक पानी का जवाब आ जाएगा, भाई को बोलने दीजिए, आप भीगा मस्त है, इसके अलावा साल से हाजिक भाई आप बोलेंगे, शोएब मैं शांत करा रहा हूँ, बस हो गया, हाजिक भाई बोलेंगे, धर्म संसद में गलत बात नहीं होगी, धर्म संसद, धर्म संसद में गलत बात नहीं होगी, जहाँ से शोएब जमाई ने बम बनाना सीखा, वहीं से हमने पानी का फुहारा बनाना, चलिए बस हो गया, अब हाजिक बोलेंगे, अब हाजिक बोलेंगे, ऑडियो बंद है, हाजिक बोलेंगे, ऑडियो बंद रहेगा भी सबका, सिर्फ हाजिक खाना बोलिए, आप बोलिए, बदमाश ये धर्म हाजिक जैसी आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज, नहीं वो नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, हाँ बोलेंगे, बोले जैसे अल्फाज वैसा ही चरित्र, हाँ बोले करेक्टर उसका, दूसरी कोई चीज़ करेक्टर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वो शिवलिंग है 1%, फिर भी वहां पर वजू होना सही है, अभी तय नहीं है, वो विवादित है, शिवलिंग है, फाउंटेन है ना, फाउंटेन है, शिवलिंग है, अब कोर्ट को तय करना है, तब तक के लिए वजू की मांग गलत या सही है, दूसरी जगह कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए दूसरे बजाइए तालियां, ये इंपॉर्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वजू कहीं और भी, एक और सवाल, लेकिन बात यह है कि भारत के संविधान के साथ खेलवाड़ मत करो, दुनिया की निगाह, मेरी निगाह नहीं है, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, 500 मस्जिद बाबरी मस्जिद थी है और कयामत तक रहेगी, एक बार ढांचा था, हमने उसको नाजायज जगह पे समतल कर दिया, भूमि समतल हो गई, विवादित ढांचे को ढा दिया, अरे लोगों ने 500 साल पुरानी मस्जिद, हर हिंदुस्तानी को गर्व है, ना पहले हर हिंदुस्तानी को गर्व है, मुझे बोल रहमान बोलेंगे, चलिए मुझे बोल रहमान बोलेंगे, अजय गौतम, कार सेवा बनारस में भी होगी, चलिए अजय, जरूरत होगी तो कार सेवा बनारस में भी होगी, मुजीबुर रहमान उसके बाद आप एक एक करके, अभी मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी सबका ऑडियो बंद रहेगा, सिर्फ मुजीबुर रहमान का ऑन एयर रहेगा, मुजीबुर रहमान देखिए, बार बार जो इसको कहा जा रहा है, जो हाजिक भाई ने कहा कि संविधान और कानून का मखौल और जो उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया, लेकिन ये सब तो मुजीबुर, आप तो वकील है, तो कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पर कमीशन जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद को गिराना है कानूनन जुर्म है, उसके ऊपर केस भी चल रहा है, उन लोगों को ढूंढा भी जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो उनके लिए ताली मौलाना कह रहे हैं कि फखर की बात है, और हमारी ऑडियंस उसको ताली बजा रही है कि जो गुनाह हमने बाबरी मस्जिद गिरा के किया वो काशी में भी किया जाएगा, तो ये इस देश के लिए जो है बहुत ही चिंता की बात है, और यहाँ के लोगों को दिखाती है कानून के प्रति, उनके कानून के प्रति देश के कितनी आदर है,
वो सिर्फ अपनी जो होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे कानून कुछ भी, हमें वो करना है। वो जो एटीट्यूड है वो गलत है। जो आपने कहा कि वो शिवलिंग वाली बात को, कि वो शिवलिंग है, मान लीजिए मैं उसको 100% फुवारा भी मानता हूँ, लेकिन अगर इनकी आस्था उसको शिवलिंग मानने की है तो मुझे शिवलिंग को, मुझे फुवारे को शिवलिंग मानने में क्या दिक्कत है? मेरे लिए तो फुवारा ही है ना, मेरे लिए तो फुवारे के लिए लड़ रहे थे, मेरे लिए तो कोई आस्था नहीं है उसमें, लेकिन अगर इनकी आस्था है तो इनको मुबारक हो, उसको तो सौंप दीजिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, चैप्टर ही खत्म, बताइए बात ही खत्म हो गई। फाउंटेन के लिए क्या लड़ना है? अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं उनसे बात कर रहा, नया लगवा लेंगे, मुझे पूरी बात सुन लीजिए। नहीं 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 क्या नया लग, ये आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं जी? अब हम वहां पर नहीं, वहां भाई ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के लिए और आप फाउंटेन के लिए लड़ रहे हैं। अब बात पूरी सुन लीजिए, फाउंटेन के लिए, फाउंटेन छुपा रहे थे इसलिए सर्वे का विरोध कर रहे थे। अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी। अब यहाँ पर बात आती है इधर की के कानून की, ये देश आपकी आस्था से नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर देश का जो कानून है कहते हैं कि इतिहास में ये मंदिर 350 साल पहले गिराया गया, मान लीजिए इनकी बात सच है, तो ये क्या चाहते हैं कि वो मस्जिद गिरा करके मंदिर मान, अभी कोर्ट में मान लीजिए ये तो गिराया गया, वो तो तथ्य है, ऐसा नहीं हो सकता ना, फैसला फैसला होना। आप वकील किसके, औरंगजेब के वकील हैं क्या? मैं आपके कहने से नहीं मानूंगा, औरंगजेब के पापों के कहने से नहीं मानूंगा। कोर्ट ये नहीं तय कर रहा है कि मंदिर किसने गिराया, तो क्या वहां तो पता है औरंगजेब ने गिराया, उसको तो रशीदी जी भी नहीं बचाएंगे। अब आप बचा रहे हैं उसको, मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, दो मिनट आप मुझे नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं मेरे को नहीं बताता औरंगजेब के लिए टाइम मांग रहे हैं, मेरी बात पूरी कहने देना। आप इतिहास में कितना पीछे जाएंगे, क्या मंदिर से पहले वहाँ कुछ नहीं था? हो सकता मंदिर से पहले क्या चीजें रही होंगी, करोड़ों साल से पृथ्वी, आप इतिहास देख लीजिए ना क्या रहा होगा, वो तो खुदाई के बाद पता चलेगा। 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, हमारा देख लेते क्या था हमारा सुप्रीम कोर्ट तैयार। तो पहले मंदिर खोद कर, पहले मंदिर खोद लेते हैं, सारी खोद कर देखते हैं कोई मस्जिद है कि नहीं, इसके लिए तो ठीक है, नहीं तो सॉरी कर देंगे आपको। हम सारी मंदिर खोद देते हैं, शुरुआत मंदिरों से करते हैं, शुरुआत मंदिरों से करते हैं, सारी मंदिर खोद देते हैं, गुंबद मिल गए तो ठीक, वरना सॉरी बोल देंगे। अगर आपको जीरो कुतर्क करना है तो कुतर्क मेरे पास है, आपसे ज्यादा है, मेरा यही काम है, मेरा पेशा ही है। आपने तो कहा तब मंदिर खोद लेते हैं। चलिए हमारा सवाल है, कुछ चाहिए अब, रुक जाइए मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान एक मिनट, हाजी भाई रशीद भाई के पास जाना, मिल गया हमें, मैं रोक रहा हूं, मुझे सॉरी मंदिर खा जा रहा है, पहले मंदिर बनी तो मेरा सवाल है। आप वकील है, मुजीबुर रहमान वकील है, ये जो रिपोर्ट पेश हुई है कोर्ट में, इसकी कानूनी वैधता कितनी है? जांच होगी इसके ऊपर, और उनका पक्ष क्या था, दूसरा पक्ष भी अपनी कुछ रिपोर्ट लाएगा, उसमें क्या क्या फैक्ट। अब आप मुझे बोलने दीजिए, आप वकालत ना करें, यहां पर गलत पिक्चर खींच ली, इसका मतलब इसकी प्रमाणिकता, मुझे कैमरे ने खींचा है भाई, दूसरा पक्ष के क्या तथ्य और सप्रेस किए हैं वो लाएगा। जब खुद रहा था तब रोकने नहीं जाते, कोर्ट के आदेश पर भाई होते तब खोद लेते, बाबरी मस्जिद खोद दी ना, अरे बाबरी पे खोद दिया ना, तुमने खोद दिया ना, मैंने खोद दिया ना, औरंगजेब के सामने भाग गए, औरंगजेब के सामने भाग गए, खोदने वालों में बात कर रहे हो, तुम खोदने वालों में बात कर रहे हो, तुम थे खोदने वालों में, हां या ना, अब रशीद आप थे कि नहीं खोदने वालों में? मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैं था, चलो आज तक अरे वो मुझे पता है मरकज का, एक 1.5 साल से 2 साल से छुपे बैठे हैं, पुलिस से भाग रहे, मुझे कानून में पड़ा हो, 2 साल से जमाती भागे हुए हैं। साजिद रशीदी ऑडियो बंद, साजिद रशीदी ऑडियो बंद, साजिद रशीदी ऑडियो बंद, हाजे खाजे 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 जी, साजिद रशीदी आराम से सुन रहे थे। साजिद रशीदी सवाल ये है, सच नहीं छुपाना तो सर्वे से क्यों था घबराना? मतलब अब क्योंकि मांग की जा रही है कि अब अगर वो फाउंटेन है तो फाउंटेन का भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पता करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, पता लगे कि फाउंटेन कितना गहरा है या शिवलिंग, तो फाउंटेन की जांच हो जाए, नीचे तक सर्वे होना चाहिए या नहीं? रशीदी जी देखिए, मैं एक बात बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो युवा बैठे हैं ये हमारा फ्यूचर है, हम इनके साथ सामने क्या परोस रहे हैं ये बड़े अफसोस की बात है। हमें अपनी जबान को संतुलित रखते हुए कुछ ऐसी बातें इनको देनी चाहिए ताकि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ ना आए कि आगे चलकर ये कहीं ना कहीं भटक जाएं, गुमराह हो जाएं। इनको भी धर्म देखना है और इनको दुनिया भी देखनी है। हम इनके सामने धार्मिक आदमी होकर वो बातें ना परोसें
जिसकी धर्म इजाजत नहीं देता। प्रवचन हो गया, अब जिसकी धर्म, अब जवाब पर आते हैं। अब आपने मेरे प्रवचन को खत्म कर दिया। नहीं नहीं, आप जवाब दीजिए, पूरा जी दिया, जवाब दीजिए। आपने जो लफ्ज बोला है, सर्वे, माफ कीजिएगा, सर्वे, ये लफ्ज इतना सर्वे, इतना गंदा लफ्ज आपने बोला, प्रवचन गंदा शब्द, प्रवचन बुरा शब्द है, गंदा लफ्ज आपने बोला, प्रवचन प्रवचन मान्यता, प्रवचन बुरा शब्द है रशीदी भाई। आप पत्रकारिता के आड़ में, बुरा शब्द है रशीदी भाई, पत्रकारिता, यहाँ भी प्रवचन था वहाँ भी प्रवचन है, सुनिए इसमें क्या बुराई है। पत्रकारिता की आड़ में, पत्रकारिता की आड़ में महादेव की बात, धार्मिक मान्यताओं को खंडित मत कीजिए। अच्छा प्लीज, ठीक है प्लीज, हमने आपसे मुझे क्लास नहीं चाहिए। आपको सिर्फ टीआरपी चाहिए, हमें टीआरपी नहीं चाहिए। टॉपिक सर, टीआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हमें टीआरपी नहीं चाहिए, क्या फुल फॉर्म है? टीआरपी नहीं चाहिए, क्या टीआरपी किसको कहते हैं? अगर आप चाहो, टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? सुनो सुनो, टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है पहले पढ़ लीजिए। टीआरपी कहते किसे हैं पता है नहीं? एबीसीडी, टीआरपी चाहिए, टीआरपी हर बार डिबेट में आएंगे, टीआरपी चाहिए, टीआरपी, टीआरपी की क्या फुल फॉर्म है रशीदी भाई? चाहते क्या है भाई? टीआरपी की क्या फुल फॉर्म है? बाबा मिल गए, उनको लगा शिवलिंग है। आपने कहा, आपने जो फाउंटेन कह दिया वो इलीगल है? कुछ नहीं है। आपने जो फाउंटेन का वो इलीगल था? हमारा आपका फाउंटेन इलीगल, मतलब यहाँ महादेव इलीगल है, फाउंटेन इलीगल है। सुनिए ना, सुन तो लीजिए। जी जी, किसी भी झूठ को बार बार बोलने से सच नहीं हो जाता। तो फाउंटेन नहीं बोलेंगे बार बार। हम तो उसको बाकायदा वजू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए तो फाउंटेन ही है। दावा 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 दूसरे पक्ष का था, दावा दूसरे पक्ष का था कि हम इसको शिवलिंग मानते हैं। हमारा तो दावा नहीं था कि हमारा फाउंटेन है, दावा तो उन लोगों का था। आप हमसे कहें कि हम दावा करेंगे फाउंटेन है? हम इधर उधर दावा नहीं कर सकते।